हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है और वो जॉब की सर्च में होते हैं तो ये एक वीडियो आपके लिए है जहां पर पीजी जिनके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है पी है उनके लिए भी जॉब है और साथ ही साथ अगर पी के बाद मास्टर्स डिग्री के पास आपके पास गेट या नेट है तो नेट क्वालीफाई की तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं एप्लीकेशन फी के लिए को, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं चार्ज की जा रही है फ्रेशर्स भी बिल्कुल एलिजिबल हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी सारे पोस्ट है नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स कवर करते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है जॉब्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स मास्टर्स फ्रेशर्स ऑल्सो एलिजिबल तो ये वैकेंसीज में आपको नेम ऑफ स्कूल सेंटर नज़र आ रहे हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज नज़र आ रहे और सामने नजर आ रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस स्कूल या इस सेंटर के लिए एप्लीकेशन डाल सकेंगे तो आप ये देखते चले जाएं बायोलॉजिकल साइंसेज में बॉटनी जूलॉजी जेनेटिक्स में सारे नाम आपको नहीं बता सकती बिकॉज या एंड में आपको फिर से सारे नाम बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अदरवाइज आपको सिर्फ स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ आप देखते चले जाएं तो ये कहाँ से नोटिफिकेशन आई है ये सारी डिटेल कवर करने के बाद मैं आपको सब्जेक्ट्स भी बता देती हूँ तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बायोलॉजिकल साइंसेस डिपार्टमेंट में है जिसमें काफी सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप चेक करते जाए एनर्जी इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में है हिस्टोरिकल uh, स्टडीज़ में है जिसमें सोशल साइंस की कोई भी ब्रांच है हिस्ट्री आर्कोलॉजी या कोई भी सोशल साइंस की ब्रांच है हिस्टोरिकल स्टडीज़ में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमटेक एमएससी एम एस लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मीडिया लिंग्विस्टिक एम परफॉर्मिंग आर्ट की भी है मैथमेटिक्स की भी है काफ़ी सारी वैकेंसी है इलेवन पोस्ट है मैथेमेटिक्स में सिर्फ केमिस्ट्री में फिजिक्स में जूलॉजी में मैथेमेटिक्स बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी में काफी सारी मैनेजमेंट स्टडीज हिस्ट्री डीडीई पीजी डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो पचपन प्रतिशत मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पचपन प्रतिशत फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स है पीजी डिग्री में तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है पहले ये देख लेते हैं मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है रूसा प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से रूसा प्रोजेक्ट चल रही है और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा फेज़ टू तो इसमें प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं कम से कम टू इयर्स के लिए यहाँ पर आपको काम मिलेगा एटी एट टोटल वैकेंसीज हैं अगर आप प्लेन मास्टर्स डिग्री हैं तो सिक्सटीन थाउजेंड पर मंथ मिलेगा चौबीस मंथ के लिए है फिलहाल मीन्स दो साल के लिए है या जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक आप यहाँ पर काम कर सकेंगे सिर्फ पी है अगर फिफ्टी मार्क्स के साथ तो आपको 16,000 हजार सिक्सटी पर मंथ पेमेंट की जाएगी या फिर आपके पास सी एस आई आर नेट है यू जी सी नेट है या फिर आपने गेट क्वालिफाई की हुई है तो आपको थर्टी वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ दी जाएगी तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप पीएचडी के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं तो गूगल फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म की लिंक दी हुई है एप्लीकेशन फी मुझे नहीं समझ आ रही है एप्लीकेशन फी नहीं है यहाँ पर मोस्टली और ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है 24 नवंबर 2021 तक तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सब्जेक्ट्स हैं और ये तमिलनाडु में मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी इन अवे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है रूसा प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से चल रहा है फेज़ टू अभी फ़ेज़ टू में काम हो रहा है तो एक बड़े प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं तो आपको बाद में उसका बेनिफिट भी मिलता है कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर जूनियर रिसर्च फेलो जे प्रोजेक्ट फेलो टोटल एटी एट हैं अब यहाँ पर जो कैंडिडेट ऐसा कुछ मैंशनड है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर पी एच भी एनरोल करना चाहते हैं आप द सेलेक्टेड कैंडिडेट मे ऑल्सो रजिस्टर फॉर पी एच डी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन तो आप पी एच डी के लिए भी रजिस्टर यहां पर हो सकते हैं क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो आपको काम करते करते पीएचडी करने का भी मौका मिल सकता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अब जैसे मोस्टली आप पीएचडी जब रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप काफी प्रोसेस से गुजरते हैं यहां पर आपको काफी कंफर्ट मिलेगा तो पीएचडी भी आप रजिस्टर कर सकेंगे शायद अब मैं वापस से आपको बता दूं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है बॉटनी जुलॉजी जेनेटिक्स जेनोमिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोमेडिकल साइंस बायोकेमिस्ट्री और इट्स इक्विवेलेंट एम टेक बायोटेक्नोलॉजी बायो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इनमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है फोर्टीन पोस्ट है बायोलॉजिकल साइंसेज स्कूल या सेंटर में के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं सिर्फ मास्टर डिग्री है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ या फिर आपने सी एस आई आर नेट वगैरह गेट ग, एग्जाम दिया हुआ है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं बायो टेक्नोलॉजी वाले स्कूल सेंटर में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बायो केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी इन्वायरमेंटल साइंस माइक्रो बायोलॉजी एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं नाइन पोस्ट है टोटल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एमए इन इकोनॉमिक्स एमएससी इन मैथमेटिकल एप्लीकेशन डाल सकते हैं एनर्जी एनवायरमेंटल एंड नेचुरल में जुलॉजी फिजिक्स माइक्रो बायोलॉजी एनर्जी साइंस ये सारे में किसी में मास्टर डिग्री है फिफ्टी फाइव परसेंट मिनिमम या फिर नेट है या फिर गेट है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे मिनिमम मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है एम इन हिस्ट्री आर्कोलॉजी और एनी ब्रांच ऑफ सोशल साइंस सोशल साइंस के किसी भी ब्रांच से आपने मास्टर डिग्री ली हुई है तो आप हिस्टोरिकल स्टडीज डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं आईटी के लिए एमएससी एमसीए एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एम लिब साइंस ये वाले सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन में एम इन लिंग्विस्टिक एम ए एमएससी इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज परफॉर्मिंग आर्ट में एम ए इन फोलोअर फो क्लोर इन मैथमेटिक्स में इलेवन पोस्ट है मैथेमेटिक्स वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप रजिस्टर हो सकते हैं पी भी ग्यारह पोस्ट है टोटल केमिस्ट्री में भी काफ़ी पोस्ट है ट्वेल्थ पोस्ट है एमएससी केमिस्ट्री नैनो साइंस फिजिक्स मटेरियल साइंस वाले यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं पचपन प्रतिशत मार्क्स है या फिर नेट आपने क्वेश्चन नेट क्वालिफाई किए या फिर गेट तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे नेट गेट के क्वालिफाई होने के केस में सीधे इकतीस थर्टी वन थाउजेंड मिलेगी और नेट गेट नहीं है प्लेन मास्टर्स है तो सिक्सटीन थाउजेंड तो एमएससी इन फिजिक्स एमएससी इन जूलॉजी एमएससी इन मैथेमेटिक्स एमएस इन बॉटनी एम एस सीन बायोटेक्नोलोजी बायो केमेस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी एनवायरमेंटल साइंस माइक्रो बायोलॉजी एम टेक इन बायोटेक्नोजी एम बी ए वाले एम ए इन हिस्ट्री आर्कोलॉजी और एनी ब्रांच ऑफ सोशल साइंसिस ऑफिशल वेबसाइट चेक कर लेते हैं एक बार कैसे आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे अब अगर आप चाहते हैं आप अपने चांसेस इंक्रीज करने चाहते हैं सिलेक्शन की आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो अलग 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 आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्कूल्स तो अलग अलग स्कूल के लिए रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी और बाद में फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें तो ये मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देखिए करियर में जैसे ही आप क्लिक करते हैं मैंने करियर में क्लिक किया और एक बार रिफ्रेश कर दें एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द टेम्पोर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजिशन ये प्रोजेक्ट है जिस वाली नहीं है ये दूसरी है एक और है व्यू ऑल पर क्लिक कर लेते हैं एक बार करियर में क्लिक करके व्यू ऑल पर एक बार क्लिक कर लें आप तो यहाँ पर है हाँ जूनियर रिसर्च फेलोज प्रोजेक्ट फेलो सेंशन अंडर रूसा फेज टू एटी एट पोस्ट है और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्वेंटी फोर नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लिक ईयर टू अप्लाई ऑनलाइन तो यहां पर क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है आठ नवंबर को ये अपडेट हुई है 9 नवंबर को मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास मास्टर्स है जिनके पास सिर्फ मास्टर्स है वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं या फिर नेट या फिर सी नेट या फिर गेट क्वालिफाई की सैलरी अच्छी मिलेगी थर्टी मिनिमम टू ईयर्स के लिए काम है आपको उससे ज्यादा भी हो सकता है और इसके साथ में आप पी भी रजिस्टर कर सकते हैं ऑफिशियल ये जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है मैं फिर से बता दूं इसके करियर सेक्शन में आपको जाना है व्यू ऑल करना है और ये वाला देख लेना है आपको इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक अवेलेबल मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी की आप सभी को बेस्ट विशेष थैंक यू वेरी मच